ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 8 मई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में मार्केट ट्रेड हो रहा था, काफी चौपी मार्केट था। तो कल के लिहाज से आज निफ्टी में क्या होगा, क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फिर से एक बार एक बड़ी न्यूज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो जियो उनका एक बिजनेस है टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें फिर से एक बार तीसरी लगातार इन्वेस्ट कर रही है एक फर्म। तो ये काफी बड़ी न्यूज है। लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी आई है, क्योंकि फेसबुक, सिल्वर लेक, उसके बाद विस्ता इक्विटी नाम की जो वो फर्म है वो इसमें फिर से एक बार बड़ा इन्वेस्ट करने पे कगार पे है। दूसरी बात, वैक्सीन मिलने की कई सारी खबरें आ रही है, वैक्सीन मिल ही जाएगा, अभी कुछ दिन बाकी है। तो ये सब न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स को बेसिकली व्यूवर्स चाहिए रहते हैं, टीआरपी की जरूरत रहती है, तो ऐसे न्यूज़ काफ़ी देखे जाते हैं। जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, WHO से अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक इसके बारे में कंफर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। तो ये वैक्सीन की खबरों से मार्केट कितना इसके ऊपर असर करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर अनाउंस नहीं करती, लॉन्ग टर्म के लिए हमें यहाँ पर ट्रेंड नहीं देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी का जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था कल का, उसका रिव्यू कर लेते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 7th मई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9372 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9117। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स काफी चौपी था कल, एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, एक ये रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, इसके नीचे नहीं जा रहा था ना ही इसके ऊपर जा रहा था, एक 100 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा था। तो काफी समय के बाद देखा गया है कि निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट्स के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, साइडवेज पैटर्न है देखा जाए तो साइडवेज पैटर्न है, कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई देता है। तो कल के इस प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, काफी चौपी मार्केट था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल US मार्केट में फिर से एक बार तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 125 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। एशियाई बाजार आज जब खुले तो SGX निफ्टी 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। ओवरऑल एशियाई बाजार इस वक्त पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखें तो 276 पॉइंट के इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ, आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी इंडेक्स यहाँ से अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो 8980, ये 38.2% का यहाँ पर लेवल है, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है फिर से 9327 को रिस्पेक्ट करके ये इसके ऊपर आके क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पर ग्रीन होता है आज लास्ट के दिन, या फिर ये जस्ट 9327 के जस्ट ऊपर आके क्लोज होता है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में हो सकता है कि इनसाइड बार ट्रेडिंग जैसा फॉर्मेशन देखने को मिले, क्योंकि ये जो लास्ट वीक का कैंडल है इस रेंज के अंदर अगर
ये करंट वीक का अगर क्लोज मिलता है तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली चार्ट का फिलहाल सिनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो ये जो मंडे से एक जबरदस्त हमने फॉल यहाँ पर देखा था, उसके बाद 2 दिन एक चौपी मार्केट है, यानी कंटिन्यूस 2 दिन यहाँ पर एक डोजी जैसा कैंडल से फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट डे का अगर कैंडल देखें तो इसके प्रीवियस डे का ये जो हाई और लो है इसके बीच में ये कल ट्रेड हुआ है, तो यानी यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। अगर इसका ये हाई या फिर लो ब्रेक करता है तो आने वाले ट्रेंड का हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है। आर्ली चार्ट में अगर हम ये इस सिनेरियो को देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक 20 EMA का ये जो सपोर्ट है यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट कर रहा है इस पिंक लाइन के आसपास, तो 20 EMA डेली चार्ट में एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है इस समय। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आर्ली चार्ट को देखें यहाँ पर तो एक यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हुआ है, ये लोअर हाइज बनाते जा रहा है ऊपर में, और नीचे देखें यहाँ पर तो ये सपोर्ट का लेवल है। इसके नीचे, इस लेवल के नीचे आके ये क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। इसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है, आइदर ये इसका अपसाइड यानी अपर बैंड को ये ब्रेक करे और ऊपर की तरफ मूव करे, या फिर ये जो सपोर्ट बना हुआ है इसको ये ब्रेक कर सकते हैं और टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव कर सकता है। तो ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड काफी क्रूशियल हो सकते हैं इस समय। तो यहाँ पर आज के लिए अगर देखें तो ब्रेकआउट लेवल जो है, ये जो यहाँ पर इसने ये बुलिश कैंडलस्टिक बनाया था 2 दिन पहले, तो इस कैंडल बनने के बाद ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, ये तुरंत यहाँ से टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ मूव हो रहा है, तो इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये हमारे लिए आज के लिए होगा ब्रेकआउट लेवल, जो कि 9328 ये हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है R3 का, ये पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 9360 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकेंड टारगेट हो सकता है 9406, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लोअर बैंड है यानी 9181, इसको अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 9157 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9118 जो कि ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट का S2 के लेवल के पास है, जहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था 2 दिन पहले, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और आज के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगी निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।